कितनी बार आप लोग आए? लगातार बंगाल जल रहा था, अभी भी बंगाल में चुनाव हुआ, अभी भी बहुत सारे घर जले, महिलाओं को अर्धनंग किया गया, मगर हमें नहीं नजर आया कि आम आदमी पार्टी बिहार के सड़कों पे उतरे थे उन महिलाओं के लिए। नहीं है कि मणिपुर में बीजेपी सरकार फेलियर नहीं, वो फेलियर है, वो फेलियर है, उसको कोई नहीं काट सकता है। मेरा सवाल था कि जब महिलाओं के लिए उत्पीड़न की बात होती है तो सिलेक्टिव राजनीति क्यों होती है? बस मेरा ये सवाल है मैम, आप इस तरह से बंगाल में जिस तरह से हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं आम आदमी पार्टी बोल पाती है? दिल्ली महिला आयोग की टीम गई है मणिपुर पीड़िता से मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए। क्या दिल्ली महिला आयोग की टीम कभी बंगाल गई थी? जब मणिपुर की महिला आयोग की टीम, जब भारत के महिला आयोग की टीम, इज्जत की बात आए, इसमें सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं पार्टियां? वी आर नॉट सिलेक्टिव, वी आर रेजिंग आवर वॉइस फॉर द नॉन वायलेंस। आई कांट स्पीक, आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। सिलेक्टिव राजनीति नहीं करते हैं हम लोग, सिलेक्टिव राजनीति नहीं करते हैं। जिस आधार पर वो अपना रखे थे नींव अपने पार्टी का, तो पार्टी का नींव रखे आप भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, और एक वह का उसी भ्रष्टाचार, जितनी पार्टियां हैं सारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, उसी के साथ आप जा रहे हैं तो गलत हो रहा है। अरविंद केजरीवाल अगर खुद अकेले अगर अपने बेस पे लड़ते रहते ना, तो एक समय ऐसा आता 5 साल नहीं 10 साल बाद अपने दम पर भारत के प्रधानमंत्री बनते। वो देखिए इस बात से बाहर है कि एक महिला को नंगा करके परेड कराना, उसके गुप्तांगों को टच करना, ये सभ्य समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, और ऐसे लोगों को जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए मगर वह कम है। जब यही लोग सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, अगर महिलाओं से उन्हें मतलब होता तो वो बंगाल भी जाते हैं, वो बिहार भी आते हैं, राजस्थान, जहां पर कि सरकारी आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती है। अभी उसके विधायक जी गांधी मैदान और गांधी जी की प्रतिमा के नीचे है, आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संजय जी को निकाल दिया गया है संसद भवन से बाहर में, वो अभी धरना दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी बिहार यहाँ गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के सामने धरना पर बैठ गए हैं। आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? क्या चीज का विरोध प्रदर्शन? आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और मौन व्रत रखा, श्रद्धांजलि दी उन बहनों को जिनके साथ अमानवीय कृत्य हुआ मणिपुर में। मणिपुर के उन परिवारों के लिए हम आज खड़े हैं जिनके साथ इस देश के 75वें वर्षगांठ के अवसर पे उनके साथ जो दरिंदगी और जो अमानवीय और जो असंवैधानिक घटनाएं घट रही हैं, उसका जवाब हम अपने देश के प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से चाहते हैं। उनकी पीड़ा का और उनकी समस्या का निदान अभी तक क्यों नहीं हुआ है? आज तक प्रधानमंत्री जी इतना असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो लेने के बाद और जब वो वीडियो वायरल होता है उसके बाद आपकी नींद जागती है, तो आप इस तरह के देश, इस तरह के प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं, उनसे मणिपुर की बात जानना चाहता है। हम इसीलिए आज मैदान में और सड़क पे खड़े हैं, संसद में भी आवाज उठा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मणिपुर की घटना लगातार हो रही है, बिहार में भी तो घटनाएं होती है, बंगाल में भी घटनाएं हो रही थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी क्यों नहीं मुखर होकर बोल पाता है? जब महिला सशक्तिकरण की बात आए, जब महिला की इज्जत की बात आए, इसमें सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं पार्टियां? वी आर नॉट सिलेक्टिव, वी आर रेजिंग आवर वॉइस फॉर द नॉन वायलेंस। आई कांट स्पीक, आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। सिलेक्टिव राजनीति नहीं करते हैं हम लोग, सिलेक्टिव राजनीति नहीं करते हैं। जहां पे महिला सम्मान की बात आएगी, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, हम आवाज उठाते थे। बंगाल को शायद आप लोग भूल जाते हैं, हर वो राज्य मैंने कहा, अगर आप हिंदी समझते हैं तो, जहाँ पे भी महिलाओं के साथ अपमान और ये घिनौना कृत्य हो रहा है, आम आदमी पार्टी सड़क पे भी है और संसद में भी है। कितनी बार आप लोग आए? लगातार बंगाल जल रहा था, अभी भी बंगाल में चुनाव हुआ, अभी भी बहुत सारे घर जले, महिलाओं को अर्धनंग किया गया, मगर हमें नहीं नजर आया कि आम आदमी पार्टी बिहार के सड़कों पे उतरे थे उन महिलाओं के लिए। देखिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव है, ठीक है, और क्राइम का कोई राज्य नहीं हो सकता है, क्राइम का कोई जात नहीं हो सकता, क्राइम का कोई धर्म नहीं हो सकता है, क्राइम की कोई पार्टी अगर हो सकती है तो वो एक पार्टी। सुनने में अच्छा लगता है, बोल रही है बहुत नहीं, अच्छा नहीं, बोलने की बात नहीं, ये चीज नजर आ रहा है, ये चीज आपको नजर आता है? हाँ ये बात सही है। क्या
कि गलत हो रहा सब जगह, लेकिन हाँ। एक जगह का फोकस नहीं किया जा सकता है। हाँ। इंडिया में हो रही गलत तो सब जगह फोकस किया जाए। क्या बोल रही है? मैं भी आपको यही बोल रही हूँ कि क्राइम का कोई जाति धर्म और कोई राजनीति, लेकिन जहाँ पे अगर सरकार अपने दायित्व में असंवेदनशील दिखे, निष्क्रिय दिखे, अपने धर्म का पालन, सवाल नहीं है कि मणिपुर में बीजेपी सरकार फेलियर नहीं, वो फेलियर है, वो फेलियर है, उसको कोई नहीं काट सकता है। मेरा सवाल था कि जब महिलाओं के लिए उत्पीड़न की बात होती है तो सिलेक्टिव राजनीति क्यों होती है? अगर, बस मेरा ये सवाल है मैम, आप इस तरह से बंगाल में जिस तरह से हुआ वहाँ पे क्यों नहीं आम आदमी पार्टी बोल पाती सवाल है? सवाल ही सिलेक्टिव है। मैंने कहा देश में जिस राज्य में जिस कोने में जहाँ पे भी महिला उत्पीड़न, महिला के साथ असमानता, महिला बलात्कार हो रहा है, वो अन्याय है, और उसके लिए समय समय पे जब जब जरूरत पड़ी है आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। दिल्ली महिला आयोग की टीम गई है मणिपुर पीड़िता से मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए। क्या दिल्ली महिला आयोग की टीम कभी बंगाल गई थी? जब मणिपुर की महिला आयोग की टीम, जब भारत के महिला आयोग की टीम नींद में सो रही थी, और महिलाएं जब उनकी सांसदें अपना रील्स बना करके वीडियो अपलोड कर रही थी, तो उनकी असंवेदनशीलता को समझते हुए स्वाति मालीवाल जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि उन्होंने और भी महिला टीम को ये रास्ता दिखाया, एक टॉर्च बेरर का काम किया कि अन्याय कहीं भी हो आप खड़ी हो सकती। जब आपके पास चिट्ठी गई महिला आयोग के पास, आपने 40 दिन पहले या 24 दिन पहले उस चीज का संज्ञान क्यों नहीं लिया? अच्छा एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी की जब राजनीति आई थी, सभी लोग नहीं बोलता है कि विश्वास कर लिए, तो उसमें एक नायक मूवी था, लगा कि नायक बन के अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने मंच पर ही बोला था कि हम राजनीति बदलने के लिए आए। क्या नहीं लग रहा कि अरविंद केजरीवाल कहीं भटक गए हैं अपनी राजनीति से, जिस बेस पे वो राजनीति में आए थे? अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक स्तंभ गाढ़ा है भारत की राजनीति का, जो पक्ष मोड़ा है, जो शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति का जो उन्होंने मुद्दा उठाया, आज आप देख लीजिए करप्शन से लेके प्रत्येक विषय में आप देख लीजिए कि जो भी राज्य सरकारें हैं सब अब जनता के बारे में सोचने लगी है। अब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अपने गृह राज्य में जाके स्कूलों का दौरा करने लगे हैं, जो कि उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में नहीं किया था। गुजरात के चुनाव के टाइम में उनको याद आता है कि यहाँ के स्कूलों की स्थिति जर्जर है। तो ये एक प्रयास था हमारा राजनीति बदलने का, अगर सब लोग उसका स्मरण कर रहे हैं तो हम खुश हैं कि हमने उसमें एक सवाल है राजनीति बदलने आए थे। यही अरविंद केजरीवाल लालू जी को कोसते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे। आज अरविंद केजरीवाल जब मीटिंग में जाते हैं यूपीए को, अभी फिलहाल नाम इंडिया हो गया जो यूपीए गठबंधन है, उसके बगल में शेयर करते हैं सीट, उसी पार्टी के साथ है जिस शीला दीक्षित दीदी के खिलाफ लंबे लंबे फाइल लेके आते थे कि शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, उसी कांग्रेस के साथ उसी गठबंधन में है। सवाल बनता है कि हम राजनीति बदलने आए थे कि फिर हम राजनीति का हिस्सा बनने आए थे? राजनीति बदलने आए थे और राजनीति में रह के राजनीति बदलने आए थे, ये समझना होगा आपको। और अगर आज अरविंद केजरीवाल जी इस विपक्षी एकता का हिस्सा है तो ये देश के निर्माण और संगठन के लिए अभी आवश्यक है, देश की आत्मा और देश का जो संविधान। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, एक सेकंड, मैं जरूरत, यही जरूरत परिस्थिति में इसकी अभी जरूरत, यानी कि अपने हिसाब से अपने अगर देखिए अभी एक सेकेंड अभी मेरा तो सवाल जनता के बीच वो जाएंगे, वो जनता किसी के भी बीच कहीं की भी हो, अरविंद केजरीवाल यही चीज हम बोल रहे हैं। जब पटना में बैठक हुआ था तो अरविंद केजरीवाल जी रूठ के चल गए थे, क्योंकि कांग्रेस से उन्हें चाहिए था भरोसा कि हमें सपोर्ट करे, ताकि वो जो बिल मोदी जी ने लाया था कि राज्यपाल के पोस्टिंग का मामला था वो राज्यपाल के पास है, वो चाह रहे हैं कि सरकार के पास आ जाए। दूसरी मीटिंग में जब उसे भरोसा दिया गया कि कांग्रेस साथ जाएगा, तब वो जाके मंच पे बैठे हैं, वो तो अपना फायदा सोच रहे हैं। आज अब मुद्दों से भटक रहे हैं हम, एक कारण से हम एक जहां अन्याय हुआ हमारी माँ बहनों के साथ, हम उनके लिए आज आवाज उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बदले हैं या नहीं? क्या अरविंद केजरीवाल जी जो राजनीति का बेस बना के वो आए थे, फिलहाल वही राजनीति कर रहे हैं कि बदल गए? कुछ चेंजमेंट आया है अरविंद केजरीवाल जी में? क्या लग रहा है आपको?
चेंजमेंट यही है कि जिस आधार पर वो अपना रखे थे नींव अपने पार्टी का, तो पार्टी का नींव रखे आप भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, और एक वह का उसी भ्रष्टाचार, जितनी पार्टियां हैं सारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, उसी के साथ आप जा रहे हैं तो गलत हो रहा है। अरविंद केजरीवाल अगर खुद अकेले अगर अपने बेस पर लड़ते रहते ना, तो एक समय ऐसा आता 5 साल नहीं 10 साल बाद अपने दम पर भारत के प्रधानमंत्री बनते वो। देखिए इस मुद्दे को हम लगातार उठा रहे हैं कि ये कहीं भी बर्दाश्त से बाहर है कि एक महिला को नंगा करके परेड कराना, उसके गुप्तांगों को टच करना, ये सभ्य समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऐसे लोगों को जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए मगर वह कम है। जब यही लोग सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, अगर महिलाओं से उन्हें मतलब होता तो वो बंगाल भी जाते हैं, वो बिहार भी आते हैं, राजस्थान जहां पर कि सरकारी आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती है। अभी उसके विधायक जी कल किस तरह से लाल डायरी लेके फहरा रहे थे कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं करप्शन से मिले हुए हैं। जी बोल रही है झारखंड में, झारखंड से हूँ, झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ था, तो अध्यक्ष देखा था, क्या हुआ था उसमें? अश्लील बात कर रहे थे, देख लीजिए, एक महिला के साथ अश्लील बात कर रहे थे, झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री, पूरा वीडियो वायरल हुआ था। उस वक्त दो लड़के को जिंदा जला दिया गया, और एक गुमला में हुआ, एक संथाल पैगाना हुआ, लेकिन कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। देखिए इसी को बोलते हैं सिलेक्टिव राजनीति। गांधी जी है, गांधी जी का नाम लेकर लोग राजनीति करते हैं, चप्पल जूता खोल के यहाँ पे आते हैं, फिर कुछ देर बाद लोग चप्पल जूता पहन के यहाँ चढ़ जाते हैं। इसी को हम सिर्फ दिखाने आए थे, जब राजनीति जब किसी की इज्जत पे के साथ हो, यानी कि लड़की के साथ संवेदना दिखाना और अंदर से आप कितने संवेदनशील हैं इसको बताना, कहीं ना कहीं राजनीति में ये लगता है कि एक मजाक हो रहा है। आप उस महिला के साथ मजाक कर रहे हैं जिसके साथ आप घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं कि हम उसके साथ हैं। अगर आप सही में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप सही में महिला उत्थान की बात करते हैं, तो देश की हर एक महिला के साथ अगर गलत हो रहा है तो आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आंकड़े अगर हम बताएंगे, ऐसा एक मिनट नहीं है जहां महिलाओं के साथ रेप नहीं होता होगा। अगर ये नेता सही है तो आंकड़े क्यों नहीं ठीक होते हैं? क्यों आज भी निर्भया की तरह रेप हो रहे हैं पर वो हाईलाइटेड नहीं है, इसीलिए उसके पीछे लोग जाते नहीं? ये सवाल है, इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।